सबसे पहले अपनी तीन चीज टेस्ट करवा लेना, ठीक है ना। वो तीन नंबर है, देखो दोस्तों ये तो एक रियल में है कि रियल में अभी मेडिकल हमारा कैसे होगा। अभी तो लोग बताते हैं सिर्फ कि ऐसे है मेडिकल, ऐसे होता है, ऐसे होता है, पर मैं आपको रियल बताने वाला हूँ कि रियल में मेडिकल कैसे हो रहा है। कैसे मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा मेडिकल होगा, जो मेरे साथ होगा मैं वही आपको बताऊँगा कि क्या क्या इसमें ज़रूरी होता है मेडिकल में, वो क्या क्या किसकी वजह से आदमी यहाँ पे फेल होता है डॉक्टरी में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा पास करना है, देखना है, ठीक है, कि अगर आप दुबई आ रहे हो काम करने के लिए तो सबसे पहले आप अपना डॉक्टरी करवाइए, अपने शहर आप कहीं से भी हो अपना डॉक्टरी करवाने के बाद जब भी आप दुबई में आइए। ये ना हो कि आप लाखों रुपए खर्च करें, लाखों रुपए खर्च करने के बाद आप यहाँ पे दुबई में आओ, फिर आपकी डॉक्टरी में कमी आए, फिर आप वापसी जाओ। तो दोस्तों इससे बेहतर तो आप ये है कि अपना पहले कुछ मेडिकल कर लो वहाँ पे जो यहाँ पे ज़रूरी है दुबई में। अभी हम लोग मेडिकल जाने वाले इस कार में, जो ये कार खड़ी है पूरी रजगरी कार है, फुल ऐसी कंडीशन है कार की। लाल पल्सर में बैठ के गोरी, अरे कहाँ जावे टूरी मोर संग चलना। ये हमारा टोकन नंबर है जो ले रहे हो। अभी मेरा एक्सरा होगा अंदर जाने के बाद। और अभी कौन टेस्ट होगा अंदर जाने के बाद। भाई कहां से है तू? और तुम्हारा भाई शांत से एक ही जवाब देता है। सारे लोग ये पूछे कहां से है, सिर ठोक के कहता है भाई, यूपी बारा का नाम सुनाई होगा, मुजफ्फरनगर से है तेरा भाई। भगत सिंह आजाद अशफाक उल्लाह खान जैसे जवानों ने अपने खून से सींचा है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। तेरे कूदे में जितना दम है उतना जोर लगा ले, हम हिंदुस्तानी एक हैं और एक ही रहेंगे। तो दोस्तों फाइनली मेरा डॉक्टरी पूरा हो चुका है और मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में कि मेरा डॉक्टरी कैसे हुआ है, क्या क्या चेक हुआ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बड़ी है, मैं आपके भाई के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके परिवार के लिए जो दुबई में आ रहा है काम करने के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो डॉक्टरी है दुबई की वो दुबई में मानी जाती है, अपने जो इंडिया से बंगाल से पाकिस्तान से उनकी डॉक्टरी यहाँ पे नहीं मानी जाती है, दुबई की खुद की डॉक्टरी यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे बंदा ओके है तो यहाँ पे काम कर सकता है लंबे टाइम के लिए, अगर बंदे के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है रिपोर्ट में तो दोस्तों वो काम यहाँ पे नहीं कर सकता। तो मेरी डॉक्टरी एक इंडिया में हुई थी और इंडिया में मेरा एक्सरा खून टेस्ट और पेशाब टेस्ट हुआ था, जो ये तीन चीज़ बड़ी अहम होती है बंदे के अंदर में। तो दोस्तों आप स्क्रीन शॉट पे देख सकते हो, ये मेरा पेप इंडिया वाला रिपोर्ट है जो इंडिया में आई थी। तो दोस्तों वहाँ पे मेरा सब कुछ ओके कंफर्म हो गया था। तो इसके बाद दोस्तों अभी मैं दुबई में आया था, तो दुबई में मेरा वीज़ा लगे था, तो अभी मेरा डॉक्टरी हुआ था और मैं अभी आपने देखा मेरे वीडियो में, मैं अभी डॉक्टरी पे गया था। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टरी में क्या चेक हुआ मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा यहाँ पे एक्सरा हुआ दुबई में, दूसरा मेरा खून टेस्ट हुआ जो आपने देखा वीडियो में, तीसरा पेशाब टेस्ट भी लिया था उन्होंने क्योंकि ये ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये तीन चीज़ इन्होंने मेरी जो है
ली यहाँ पे, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि एक्सरा होता है, इसमें एक्सरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर, कहीं दाग वगैरह कोई हड्डी टूटी तो नहीं है, टीवी वगैरह तो बड़ी बीमारी ना हो, ये चेक होता है। दूसरा होता है खून टेस्ट, खून में कोई बीमारी तो नहीं है। तीसरा होता है इसमें अपना पेशाब टेस्ट, तो इसमें कुछ बीमारी वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये तीन चीज़ बड़ी है, मैं अगर आप दुबई आ रहे हो लंबे टाइम के लिए। बहुत लड़के, बहुत मतलब पब्लिक यहाँ की वापसी जाती है, पैसा भर के आती है एजेंट दोबारा, ऐसा नहीं है ऐसे पैसे भर के आती है एजेंट दोबारा, पर उनकी डॉक्टरी में प्रॉब्लम आने की वजह से उनको फेल किया जाता है और वापसी उनको इंडिया भेज दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे अभी आप दुबई में काम करने के लिए आ रहे हो, आप अलग ही पैसे खर्च करोगे, तो मेरे कहने से आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से करवाइए कि आपके डॉक्टरी में कोई इफेक्ट तो नहीं, कोई कमी तो नहीं है। मैं सभी भाइयों को कह रहा हूँ जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, सबको कह रहा हूँ इसकी बात कोई, कि ये ना हो कि आप पैसा भरो रुपये दे के आओ एजेंट को, आप यहाँ पे दुबई में आओ, मालूम पड़े आपके डॉक्टरी में प्रॉब्लम आ जाए और आपको फिर वापसी इंडिया जाना पड़े। तो दोस्तों इससे बेहतर है कि अपना 2,000-3,000 रुपये पहले खर्च कर लें इंडिया में। तो दोस्तों सबसे पहले आप इंडिया में अपना जो करवाना आपको नंबर एक, आपको अपना एक्सरे करवाना है, ठीक है दोस्तों। नंबर दो, आपको अपना खून टेस्ट करवाना है। नंबर तीन, आपको अपना पेशाब टेस्ट करवाना है। तो दोस्तों ये तीन चीज़ बड़ी अहम है, अगर आपकी तीन चीज़ ओके है, आप कभी दुबई में मार नहीं खाओगे दोस्तों, ये बात करें इंशाल्लाह। हालांकि अपनी इंडिया वाली रिपोर्ट यहाँ पर काम नहीं करेगी, पर अपनी तसल्ली के लिए हमको मालूम पड़ जाए कि हाँ कि हमारे अंदर कोई बीमारी वगैरह नहीं है। दोस्तों अगर आपकी ये तीन चीज़ ओके है तो आप दुबई में आ सकते हो, और दुबई में आने के बाद आप यहाँ पर डॉक्टर करवाइए, इंशाल्लाह आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अगर आपकी डॉक्टरी ओके है तो आप दुबई में काम कर सकते हो, अगर आपकी डॉक्टरी में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप यहाँ दुबई में काम नहीं कर सकते, आपको दुबई से निकाला जाएगा, वापसी आपको आपके देश भेजा जाएगा। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको मालूम पड़ जाए कि आप दुबई में आ रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या चेक होती है डॉक्टरी, वो क्या क्या चीज़ चेक होती है डॉक्टरी में। तो दोस्तों आज आपने ये वीडियो पूरी समझ ली है, अगर दोस्तों कुछ आपको पूछना है, कुछ दिक्कत परेशानी हो, तो आप मतलब जो भी आपको वगैरह वगैरह पूछना है मेरे से, तो आप दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं आपको यहाँ पे नहीं दिया तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करो, और जो आपको मेरे वजह पूछना है दुबई के बारे में दोस्तों बेशक पूछ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यार सा लाइक कर देना, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ब्लैक आइकन घंटी जरूर। दोस्तों इसके बाद अच्छा अच्छा वीडियो आता रहेगा दुबई का, बाकी आप देख सकते हो कि उसे नजर आया। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, अस्सलाम वालेकुम।